नमस्कार साथियों, सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 में स्वागत करता हूं। मैं शिवम सराल लेकर के आया हूं यूपीबीटीसी एग्जामिनेशन डेट सेक्शन 2019-21 वाले बच्चों के लिए। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर में क्या एक्सपेक्टेड रहने वाली है, ठीक है, मतलब क्या पेपर की डेट रहेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट है, बोर्ड एग्ज़ाम चालू होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 18 फरवरी से 3 मार्च के तक बोर्ड एग्ज़ाम चलेगा हमारा 10 और 12 का, ठीक है, 10 और 12। और इसके साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, BA, BSc और BCom वाले जो भी हमारे पेपर्स होते हैं, वो भी स्टार्ट हैं। और ये मालूम है जो ग्रेजुएशन लेवल या इंटर लेवल जितने भी हमारे होते हैं, इन सभी कॉलेजों में ही BTC की सीटें होती हैं, वहीं पर ही हमारे जो होते हैं वो BTC के एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। और बता दूँ, ठीक है, और इन सभी को साथ साथ में पेपर दिलाना है और स्कूल में कॉलेज में जो भी है हमारा, ठीक है, क्या कहते हैं, जगह नहीं खाली होती है। अब जगह अगर नहीं खाली होती है तो पेपर हमको उसी में कराना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन पेपर के बाद BTC के पेपर करवाए जाने की उम्मीद जताई जाती है। और एक्सपेक्टेड क्या है, लगभग क्लियर नियर अबाउट होली का भी त्यौहार आएगा मार्च में, फरवरी में तो कोई चांस ही नहीं है चूँकि कुछ दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और बता दूँ कि जो डेट, ठीक है, गणेश चतुर्थी की डेट आने, सॉरी होली की डेट आने वाली है, होली 9 और 10 तारीख को है। इसमें लगभग के लिए कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में 6-7 दिन की छुट्टी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में एक त्यौहार पड़ता 12 मार्च को गणेश चतुर्थी, संभवतः उसकी भी छुट्टी होने वाली है। तो अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेड डेट जो है हमारी 13 मार्च निकल के आ रही है, 13 मार्च तक हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन कौन से किस दिन पेपर आने वाला है, यानी स्कीम 13 मार्च को आ जाएगी। और मेरे पास एक ईमेल है, BTC हेल्पलाइन वाला ईमेल, तो मैं आपको दे दूंगा नीचे। आप लोग सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, वो एक बार प्रेम से लाइक कर दें। और सभी बच्चे, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वो एक काम करेंगे, ठीक है, उनका एक काम है कि उस ईमेल पर मैसेज भेजेंगे सभी बच्चे, ठीक है। आप मैसेज भेजेंगे जैसे, और शायद आपका प्रत्युत्तर आपको मिल जाए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपकी सॉल्व कर दिया जाएगा संभवतः, ठीक है। और मैं बात कर लूँ, एक चीज़ और बात करने वाला हूँ कि जो है, मतलब एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है बच्चे, जो एग्ज़ाम होते हैं वो दो, जैसे एक सेमेस्टर का होता है, दो ईयर का होता है, दो कोई भी कोर्स है, कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का, 4 सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर वाले पेपर जो होते हैं वो 4 सेमेस्टर के होते हैं, 6-6 महीने के, चारों 6-6 महीने के होते हैं कोर्स पढ़ाई का, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें पढ़ाई का, कोर्स जो होता है वो 6-6 महीने का होता हमारा होता है, ठीक है ना। अब जैसे पढ़ाई क्या, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, प्रैक्टिकल और पेपर, ठीक है, प्रैक्टिकल 1 महीना प्रैक्टिकल चलेगा हमारा और 1 महीना पेपर चलेगा नियर अबाउट, ठीक है, तो पूरा का पूरा 1 सेमेस्टर। अब 1 सेमेस्टर हमारा बीत गया 8 महीने में, ठीक है, 1 सेमेस्टर कितने महीने में बीत गया बेटा, 8 महीने में हमारा बीत गया। अब ये 8 महीने, ध्यान समझिएगा, अगला जो 6 महीने फिर पढ़ेंगे, 1 माह फिर प्रैक्टिकल देंगे, फिर प्रैक्टिकल देंगे, फिर 8 महीने हो जाएगा, ठीक है, फिर अगला 6 महीने में 1 महीना प्रैक्टिकल रहेगा, 1 महीना पेपर रहेगा, फिर 8 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1 महीने, ठीक है, इस तरीके से 8 चौके 32, ठीक है। और टोटल कोर्स देखा जाए तो 8 चौके, ठीक है, 6 चौके 24, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर आ रहा है, आप सभी लोग खुद अनुमान लगाइए कितना बड़ा अंतर आता है, कि मतलब जो है, जो भी सेमेस्टर वाइज हमारे पेपर होते हैं उसमें ये 24, ठीक है, लगभग नियर अबाउट 8 महीने या 1 साल, पूरा 1 साल हमारा फाजिल लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। एक चीज़ सबको समझ में आ गई, किस लिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, 18 फरवरी से 3 मार्च तक 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। फिर साथ साथ में ग्रेजुएशन में BSc, BA और BCom का भी पेपर प्रारंभ रहेगा। फिर बीच में हमारी होली आने वाली है, होली 9 और 10 तारीख को होली है, लगभग 6-7 दिन की इसमें भी छुट्टी होती है, ठीक है। गणेश चतुर्थी 12 मार्च को, इसमें भी 1-8 दिन की छुट्टी हो जाती है। नियर अबाउट कहने का मतलब यह है कि अगर 12 के बाद, ठीक है, 12 के बाद एक्सपेक्टेड डेट है पेपर के, एक मतलब कहने का मतलब स्कीम आने की। अब यहाँ पर स्कीम 12 मार्च को आएगी, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ ये कोर्स ड्यूरेशन में देरी की होती है, सभी लोग मालूम है कि ठीक 6-6 महीने का पेपर होता है, ठीक है, 6-6 महीने का पेपर होता है, 6 चौके 24, 4 सेमेस्टर का पेपर होता है BTC वालों का, ठीक है। तो कोर्स ड्यूरेशन का 2 साल की बात कर ले, 4 सेमेस्टर होते हैं, सब 6-6 महीने के होते हैं, एक देखिए 6 महीने पढ़ेंगे
एक महीना प्रैक्टिकल रहेगा सभी सभी कॉलेज में, ठीक है, एक महीना पेपर होगा, लगभग 8 महीने इसी तरीके से लग जाएंगे, पूरे 32 महीने लग जाएंगे हमको। हमारा एक्चुअल में कोर्स जो होता है हमारा 24 महीने का होता है, डिफरेंट हमारा 8 महीने 8 महीने का आ रहा है, लगभग 1 साल का डिफरेंट आता है। तो यही डिफरेंट होता है कि मतलब 2 साल का कोर्स 3 साल में होता है, यही यही डील हुआ करता है, ठीक है ना। तो अब आपको जो आपके समस्याओं का समाधान हो गया होगा, जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, और मैं क्या कहता हूँ मतलब अपने यार माफ़ी मांगता हूँ कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेज है आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा पाया। क्यों नहीं करा पाया, कारण भी है मेरे पास में। मेरा मतलब जॉब लग गया है और मैं पुलिस में हो गया हूँ, ठीक है। अब पुलिस में देखिए दोस्तों, मुझको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसमें मेरी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी। अब ट्रेनिंग में सब देखिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ट्रेनिंग में अब जाएंगे, ठीक है, हर में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ट्रेनिंग हो गई ख़त्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर का आप जो है बैच स्टार्ट करूँगा, सभी सभी कोर्स जो होगा, ठीक है, उसकी मैं आपको तैयारी करवाऊँगा, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सेकेंड सेमेस्टर का मेरा कोर्स चालू रहेगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दे दूंगा, आप लोग उस ईमेल पर मैसेज सेंड करना, और जो भी प्रतिक्रिया होगी आप मुझको भी बताइएगा और खुद भी जानकारी रखिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा, नमस्कार।